दिया। विद्या भारती की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम कक्षा 9 विषय विज्ञान पाठ 9 बल व गति के नियम के जो पढ़ रहे हैं उसका लास्ट टॉपिक संवेग संरक्षण के नियम के बारे में पढ़ेंगे कि संवेग संरक्षण किसे कहते हैं, संवेग संरक्षण का नियम क्या है, उसका क्या सूत्र है, उसका व्युत्पन्न करेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं संवेग संरक्षण क्या होता है। जैसे ऊर्जा जो होती है वो कभी भी न तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, उसे हम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। वैसे संवेग संरक्षण का नियम है कि किसी भी वस्तु, कोई वस्तु जब किसी दूसरी वस्तु से टकराती है, जैसे दौड़ते हुए बच्चे वो आपस में टकरा जाए या दो गेंदे हैं वो आपस में टकरा जाए, तो टकराने से पहले जो दोनों पिंडों का संवेग होता है, कुल संवेग होता है, और टकराने के पश्चात दोनों वस्तुओं का जो कुल संवेग होता है, योग होता है, तो प्रारंभिक संवेगों का योग और टकराने के पश्चात के संवेगों का योग हमेशा बराबर रहता है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। लेकिन बशर्ते कोई बाह्य बल उन पर कार्य करना नहीं चाहिए, कि उन पर कोई बाह्य बल वो कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे घर्षण बल है वो एक बाह्य बल है, तो कोई दो गेंदे जब धरातल पर गति करती है तो उनपे घर्षण बल अगर कार्य नहीं कर रहा है तो उनका प्रारंभिक संवेग दोनों गेंदों का और जो अंतिम संवेग वो क्या रहता है, संरक्षित। तो कहने का मतलब कि दो वस्तु के संवेग का योग टकराने से पहले और टकराने के बाद कुल संवेग के योग के बराबर होता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो, यानी गति पर जो बल लग रहा है उसके अलावा अन्य कोई भी असंतुलित बल उन पर कार्य नहीं करना चाहिए, ये सब जरूरी है, इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। इसके संवेग संरक्षण क्या है इसको सही समझते हैं, इसके सूत्र का भी उत्पन्न करते हैं कि संवेग संरक्षण के नियम का सूत्र क्या होता है। तो देखो कि माना कि ये गेंद है ए और ये गेंद नंबर 2 है जो है बी, ये दोनों गेंदे एक ही दिशा में गति कर रही है, दोनों एक ही दिशा में क्या कर रही है, ये इसके आगे है ये इसके पीछे है। ये जो गेंद ए है इसका द्रव्यमान है माना एम ए और इसका द्रव्यमान है एम बी, दूसरी गेंद का द्रव्यमान एम बी है, पहली गेंद का द्रव्यमान एम ए है, ठीक है। अब ये गेंद इसके बी गेंद आगे ए गेंद उसके पीछे है। अब इसका मान लीजिए ये जो दोनों गति कर रही है तो इनका मान लीजिए गेंद ए है उसका प्रारंभिक वेग, जो गेंद ए है उसका प्रारंभिक वेग है वो माना यू ए और जो गेंद बी है उसका प्रारंभिक वेग है यू बी, ये दोनों के प्रारंभिक वेग है कि जब वो पहले टक्कर से पहले का वेग, अब आगे जाके टकराएगी, टकराएगी क्यों, क्योंकि हमने ये माना कि जो गेंद ए है उसका वेग ज्यादा है, गेंद बी का कम है, तो ये बी कम है तो वो आगे चल रही है, वो पीछे से आगे ए है, ए का वेग ज्यादा है वो पीछे से आगे क्या मारेगा, टक्कर मारेगा। तो हम ये मान लें कि जो यू ए है, यू ए का वेग है वो यू बी से क्या है, ज्यादा है, ए का वेग प्रारंभिक वेग यू है और इसका प्रारंभिक वेग यू बी है, अब यू ए वेग है वो ज्यादा है, इसका मतलब वो आगे से पीछे से आगे क्या मारेगा, उसके टक्कर मारेगा। अब मान लीजिए कुछ दूरी पर चलने के बाद में वो दोनों एक दूसरे से टकरा गए, ठीक है, और टक्कर का जो समय है, टक्कर का जो समय है वो है टी, जो टकराने का जो लगा समय है वो क्या है टी, उसको हमने टी मान लिया। अब जो गेंद ए है वो बी दोनों आपस में टकरा गई, तो गेंद ए है वो बी पर बल लगाएगी और बी है वो ए पर लगाएगा, तो गेंद ए जो बी पर बल लगाएगी वो है यू एफ ए बी, ए द्वारा बी पर लगाया गया बल,
स्पर्श, तो ए ने जो बी पर बल लगाया उसका मान है एफ ए बी। अब ए बी पर बल लगाएगी तो बी भी लगाएगी, ऐसे थोड़ी कि एक लगेगी, दोनों टकरा रहे हैं तो दोनों एक दूसरे पर क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। और हमने जो गति का तीसरा नियम पढ़ा है क्रिया प्रतिक्रिया नियम, जिसके अनुसार एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है उतना ही दूसरी वस्तु पहले वस्तु पर प्रतिक्रिया बल लगाती है। तो बी द्वारा ए पर लगाया गया बल क्या होगा, ए द्वारा बी पर लगाया एफ ए बी, तो इसका हो जाएगा एफ बी ए बी द्वारा ए पर लगाया गया बल। तो एक दूसरे पर दोनों बल लगा रही, लेकिन जो बल की दिशा है वो दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। ये इस पे इधर किस दिशा में लगा रही है, इस पे विपरीत दिशा में लगा। अब टक्कर के पश्चात क्या होगा कि ये कुछ बाद में अलग हो जाएंगे, टक्कर के बाद टक्कर थोड़ी देगी, फिर वो वापस क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो मान लीजिए ये पिंड है ए और ये पिंड है बी, टक्कर होगी, टक्कर के पश्चात वापस दोनों क्या होगी, अलग होगी। अलग होगी तो द्रव्यमान तो वही रहेगा, द्रव्यमान थोड़ी बदलता है, वेग बदल जाएगा, जो पहले वेग था उसके मान में कुछ परिवर्तन हो जाएगा। तो मान लिया कि टक्कर के पश्चात जो पिंड ए है उसका वेग बदल कर या हो गया बी ए और इसका वेग हो गया वी बी, तो इनके वेग में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो जो ये पिंड ए है का प्रारंभिक संवेग कहते टक्कर से पहले का समय, पिंड ए के प्रारंभिक संवेग में परिवर्तन की दर, तो पिंड ए है उसके प्रारंभिक संवेग में परिवर्तन की दर जिसे बल बोलते हैं। हमने गति के दूसरे नियम में पढ़ा था कि जो संवेग में परिवर्तन की दर होती है उसको हम F बोलते हैं। F बराबर क्या होता है, एम वी माइनस एम यू बटा टी, संवेग में परिवर्तन की प्रारंभिक संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग बटा समय दर का, में हमेशा समय का भाग रखते हैं दर निकालने के लिए, और उसको हम क्या बोलते हैं, एफ से व्यक्त करते हैं, वो बल होता है। तो संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है उसे किससे व्यक्त करते हैं, बल से। तो पिंड ए के प्रारंभिक संवेग में परिवर्तन की दर वो क्या होगी, तो पिंड ए के प्रारंभिक संवेग में परिवर्तन की दर, तो संवेग में परिवर्तन क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर होती है पिंड ए के, तो वो होगा पिंड ए द्वारा बी पर लगाए गए बल के बराबर होगा। याद रखना पिंड ए के संवेग में जो परिवर्तन की दर होगी वो क्या होगी, पिंड ए द्वारा बी पर लगाए गए बल के बराबर होगी। तो उसका मान क्या होगा, एफ ए बी बराबर क्या हो जाएगा, इसको मैं एफ ए बी बोलते हैं, पिंड ए के संवेग परिवर्तन। अब इसका मान क्या होगा, संवेग में परिवर्तन क्या होता है, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। तो पहले पिंड ए की बात कर रहे हैं, तो पिंड ए का अंतिम संवेग क्या होगा, संवेग क्या होता है, संवेग बराबर होता है एम गुणा बी, एम गुणा बी, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं, संवेग कहते हैं। तो अंतिम संवेग क्या होगा, एम ए, पिंड ए का द्रव्यमान एम ए और अंतिम वेग क्या है, बी, तो एम ए बी ए अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। तो पिंड ए का प्रारंभिक संवेग क्या होगा, एम ए यू ए, एम ए यू ए प्रारंभिक संवेग मतलब टकराने से पहले का, तो अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। परिवर्तन की दर, दर मतलब समय का भाग, तो टक्कर का समय क्या लिया हमने, टी, तो भाग किसका दे देंगे, टी का।
तो पिंड ए का पिंड ए के, इसको ऐसे बोलते हैं, पिंड ए के संवेग में परिवर्तन के जरिए बोल देते हैं, तो इसका मान हो गया एम ए बी ए माइनस एम ए यू ए बटा टी। इसको हमने समीकरण क्या दे दिया, एक दे दिया। अब बात करते हैं पिंड बी के संवेग में परिवर्तन की दर, जिसे हम क्या कहेंगे, पिंड बी द्वारा ए पर लगाए गए बल से व्यक्त करते हैं। तो ये क्या है, एफ बी ए बराबर हो जाएगा। तो एफ बी ए का मान, पिंड बी का अंतिम संवेग क्या होगा, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक से हम बी की बात करें तो बी का लेंगे, तो पिंड बी का अंतिम संवेग क्या है, एम बी गुणा बी बी। तो एम बी गुणा बी बी माइनस अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, तो पिंड बी का प्रारंभिक संवेग क्या है, एम बी गुणा यू बी, एम बी गुणा यू बी बटा दर निकालनी है तो समय का क्या करेंगे, क्यों टक्कर का समय क्या है, टी है। इसको दे दिया समीकरण दो, गति की, गति के द्वितीय नियम, सॉरी गति के तृतीय नियम, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया नियम बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, जिसको हमने पढ़ा है पिछले में। तो गति के तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया क्रिया नियम के अनुसार क्या होगा कि टक्कर से पहले कोई भी वस्तु जब आपस में टकराती है तो एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पे लगाती है, दूसरी वस्तु उतना ही बल उसके विपरीत दिशा में लगाती है। तो गति के तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम के अनुसार क्या होगा, एफ ए बी बराबर होगा किसके, एफ बी ए के, यानी इसने जो बल लगाया और इसके द्वारा बल लगाया, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर, लेकिन दिशा विपरीत है। तो इसको हम क्या, एक को क्या ले लेंगे, या तो इसको माइनस ले लो या इसको माइनस ले लो, एक को क्या लेना है, ऋणात्मक लेना है। अब इसके अंदर मान रख देंगे समीकरण एक और दो के, मान रख देंगे समीकरण एक व दो से मान रखने पर, तो समीकरण एक और दो से जब इसमें एफ ए बी का एफ बी ए का मान रखेंगे तो क्या आएगा, एफ ए बी बराबर क्या है, एम ए बी ए माइनस एम ए यू ए बटा टी। ये मान रख दिया, बराबर का निशान माइनस ब्रेकेट लगाएंगे तो माइनस का है, तो अब एफ बी ए का मान क्या है, एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी बटा टी। तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो बाद में दोनों तरफ इधर आएगा गुणा में आएगा, तो यहां पे इसको कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास टी कैंसिल करने के बाद में क्या बचा, इस साइड में बच गया एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए बराबर, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का एम बी वी बी, और ये भी माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, जो ये प्लस का है ये तो माइनस का हो गया, ब्रैकेट खोलते हैं, ये माइनस है वो क्या हो गया, प्लस का, तो एम बी यू बी, ये मान बच गया ये कैंसिल करने के बाद, ब्रैकेट खोलने के बाद में। अब ये मान ऋणात्मक है इसको इस तरफ ले जाएंगे, इसमें ये मान ऋणात्मक है इसको इस तरफ ले जाएंगे, तो एम ए वी ए ये माइनस का है दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये इधर माइनस का है इसको इस तरफ लाएंगे, तो ये माइनस का इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस का एम बी वी बी बराबर। अब इसको लेंगे तो ये हो गया एम ए यू ए प्लस ये
ये ऐसा कैसा एम बी यू बी, तो ये मान आ गया। तो ये एम बी यू बी क्या है, ये टक्कर के बाद का पिंड ए का संवेग है, एम बी बी भी क्या है टक्कर के बाद का, तो ये दोनों क्या है टक्कर के बाद में पिंड ए का संवेग और ये टक्कर के बाद पिंड बी के संवेग का योग हो गया। तो ये क्या हो गया पिंड ए का टक्कर के बाद संवेग और पिंड बी का टक्कर के बाद संवेग, तो टक्कर के पश्चात का संवेग बराबर, और ये दोनों क्या है टक्कर के पहले के संवेग, तो टक्कर के पहले का कुल संवेग तो ये टक्कर से पहले का कुल संवेग पश्चात का हो गया, ये पहले का हो गया। हमने संवेग संरक्षण में क्या पढ़ा कि दो वस्तुओं में संवेग का योग टकराने से पहले का और टकराने के बाद के कुल संवेग के योग के बराबर होता है, ये सूत्र आ गया। तो ये टक्कर से पहले बाद का संवेग है, ये टक्कर से पहले का संवेग है, ये हो गया संवेग संरक्षण का नियम। तो इस नियम के अनुसार कोई भी जब वस्तुएं आपस में टकराती है तो उनसे टक्कर से पहले और टक्कर के बाद का संवेग क्या रहता है संरक्षित रहता है। तो इससे संबंधित आगे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, कुछ एक दो आगे प्रश्न बढ़ते हैं। अब हम उदाहरण करते हैं, अभी हमने संवेग संरक्षण का नियम पढ़ा उसका एक उदाहरण करते हैं कि माना गया 2 किलोग्राम की पिस्टल जो बंदूक है से 20 ग्राम द्रव्यमान की गोली, जो गोली निकल रही है उसका द्रव्यमान 20 ग्राम है, 150 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से छोड़ी जाती है उस गोली को, छोड़ते हैं उस गोली का वेग कितना दिया हुआ है 150 मीटर प्रति सेकंड। पिस्टल के पीछे अब जब गोली आगे निकलती है तो हमने क्रिया प्रतिक्रिया नियम पढ़ा है कि कोई वस्तु जब आगे की ओर गति करती है तो वो पीछे की ओर भी क्या लगाती है बल लगाती है, तो बंदूक से निकली गोली है वो निकलते समय बंदूक बल भी पीछे की ओर क्या लगाती है बल, तो उस वो पीछे हटेगी, तो पीछे हटने के बंदूक के पीछे हटने का हमें वेग निकालना है जो हम संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार निकालेंगे। कैसे तो हम देखते हैं कि पिस्टल का द्रव्यमान M1, पिस्टल का द्रव्यमान M1 है वो है 2 किलो, गोली का द्रव्यमान है M2 वो है 20 ग्राम, तो ये किलोग्राम में है ये ग्राम में है, तो हम इसको क्या करेंगे किलोग्राम में बदल लेंगे, तो 20 को 20 ग्राम को जब किलोग्राम में बदलते हैं तो 1000 का भाग देते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल, नीचे बच गए 100, तो 0.02 किलोग्राम, दो अंकों के बाद में दशमलव लगा देते हैं नीचे 100 है, तो गोली का द्रव्यमान किलोग्राम में कितना हो गया 0.02 किलोग्राम, और पिस्टल और गोली दोनों गोली चलाने से पहले दोनों का वेग क्या होता है 0, तो पिस्टल वे गोली का प्रारंभिक वेग U1 एक काम जैसे बंदूक का है पिस्टल का हमने U1 मान लिया, तो गोली का क्या मानेंगे U2, तो U1 बराबर है दोनों क्योंकि दोनों का कितना है 0 मीटर प्रति सेकंड, तो दोनों का प्रारंभिक वेग 0 है क्योंकि वो दोनों स्थिर होती है। पिस्टल के पीछे हटने पे वेग का परिकलन करना है, हमें गोली का वेग दिया हुआ है अंतिम वेग दिया हुआ है, तो गोली का अंतिम वेग V1 बराबर है 150, इसका V2 मानेंगे क्योंकि अपने गोली का द्रव्यमान M2 माना है, तो V2 बराबर क्या हो गया 150 मीटर प्रति सेकंड, और हमें निकालना किसका है पिस्टल का, तो पिस्टल का अंतिम वेग
पिस्टन का जो अंतिम वेग होगा वो क्या हो जाएगा, ज्ञात करना है। तो ये निकालना है, तो संवेग संरक्षण नियम लगाएंगे इसमें। संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि पिंडों के टकराने या गति से पहले का कुल संवेग और बाद के कुल संवेग के क्या होता है, योग के बराबर होता है। तो पहले हम पिस्टल का प्रारंभिक संवेग लिखते हैं, तो वो हो जाएगा M1U1 प्लस गोली का जो लिखेंगे तो M2U2। तो दोनों का प्रारंभिक संवेग बराबर बंदूक का, उनका दोनों का क्या हो जाएगा, M2V2 प्लस M1V1 प्लस M2V2। तो ये संवेग संरक्षण का नियम होता है कि किसी भी वस्तु के टकराने से पहले का कुल संवेग और टकराने के बाद के कुल संवेग के योग के बराबर होता है। तो अब इन्हें मान रखना है और हम इसमें V2 का मान निकालेंगे। मान रख देते हैं, M1 क्या है, पिस्टल का द्रव्यमान 2 गुणा U1 का मान कितना है, 0। U1 U2 दोनों 0 है क्योंकि दोनों स्थिर है, तो बराबर गुणा 0 प्लस M2 का मान कितना है, 0.02 गुणा प्रारंभिक वेग क्या है, 0 बराबर M1 का मान 2 किलो गुणा V1 का मान। हमें क्या करना है, हमें किसका मान निकालना है, पिस्टल का अंतिम वेग जिसको हम V1 मान बोलते हैं, ये हमें निकालना है, प्लस 0.02 गुणा इसका जो अंतिम वेग है वो कितना है, 150। तो मान रख दिए, अब हमें ये तो शून्य हो गया, 2 को 0 से गुणा किया 0 प्लस 0.02 को 0 से किया, इधर तो मान हो गए शून्य, इधर 2 गुणा V1 प्लस जब इनको गुणा करेंगे तो इसका दशमलव हटाओ, 0 काट दो, 15 दूनी कितने हो गए, इसका दशमलव हटाया नीचे आ गए 100, तो इसका 0 काटा तो 15 दूनी कितने हो गए, 30। 30 में जब 10 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो इसको हल करोगे आप तो इसका मान कितना आ गया, 2V1 प्लस 3। अब 3 को जब आप इधर लाओगे, इधर तो 0 है, तो 3 को इधर लाओगे तो 2V1 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 3, क्योंकि दूसरी तरफ लाओगे तो माइनस के 3 हो गए, तो V1 बराबर अब 2 गुणा में तो -3/2, तो -1.5 मीटर प्रति सेकंड। तो पिस्टल का जो ये माइनस का ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है, कि जो घोड़ी है वो तो आगे जाती है, पिस्टल किधर जाएगी, पीछे, तो ये ऋणात्मक वेग दर्शा रहा है कि गोली आगे गति कर रही है और वो पीछे गति कर रही है। तो पिस्टल का जो वेग है उसका मान कितना होगा, -1.5 मीटर प्रति सेकंड। हमें इस प्रश्न में ये निकालना था कि पीछे हटने का वेग किसका, पिस्टल का, तो उसका मान कितना आ गया, माइनस का 1.5 मीटर प्रति सेकंड, वेग का मात्र मीटर प्रति सेकंड होता है। अब एक अन्य प्रश्न लेते हैं, किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी, जो हमने गति का दूसरा नियम पढ़ा था जिसमें हमने बल के सूत्र का व्युत्पन्न किया था, F बराबर M गुणा A। इस सूत्र का हम उपयोग करके बल का मान निकालते हैं कि 2 किलोग्राम की किसी वस्तु को, अब हम इसमें हमें यह बताना है किसमें बल की ज्यादा आवश्यकता होगी, कि एक तो वस्तु है 2 किलोग्राम की, जो वस्तु एक है उसका द्रव्यमान है वो M1 है, मान लिया वो है 2 किलोग्राम, जो वस्तु है उसका द्रव्यमान M1 2 किलोग्राम, और वस्तु का वेग है त्वरण 5 मीटर प्रति सेकंड, की दर से त्वरित करने में उसके वेग में परिवर्तन करने में, त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन की दर, तो उसमें वेग में परिवर्तन की दर कितनी दी हुई है, त्वरण का मान कितना दिया हुआ है, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो A1 बराबर दिया हुआ है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये वस्तु एक है, उसके द्रव्यमान त्वरण है, अब इसका और वस्तु तो दूसरी M2 है, उसका द्रव्यमान है 4 किलोग्राम, और
उसका त्वरण दिया हुआ है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। A2 बराबर दिया हुआ है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब दोनों का बल निकालेंगे और ये बताना है कि किस वस्तु को त्वरित करने में ज्यादा बल लगाने की आवश्यकता होगी। तो जिसका बल ज्यादा होगा उस वस्तु तो निकालते हैं। पहले हम इस पहली वस्तु का त्वरण निकालते हैं, बल निकालते हैं। तो F बराबर क्या होता है? M गुणा A। तो वस्तु A की बात करें तो F बल बराबर M1 गुणा A1। तो अब इसमें मान रख देंगे तो M1 बराबर हो गया, M1 का मान कितना है? 2 गुणा 5। तो पहली वस्तु को त्वरित करने में कितना बल लगाना पड़ेगा? 5 गुणा 2, 5 गुणा 10। और बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो 10 न्यूटन बल लगाना पड़ेगा। अब दूसरी वस्तु है तो F2 बराबर M2 गुणा A2। तो F2 बराबर आ गया 4 गुणा 2, तो 8 न्यूटन। तो किस वस्तु में ज्यादा बल लगाना पड़ रहा है? 10 न्यूटन ज्यादा है या 8 न्यूटन? तो किसका बल ज्यादा होगा? F1 का बल F2 से ज्यादा है। तो इसका मतलब कि वस्तु पहली वस्तु को त्वरित करने में अधिक बल की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से हम बल का मान जो गति के तृतीय नियम से जो हमने सूत्र का भी उत्पन्न किया था उससे हम आंकिक प्रश्न भी हल कर सकते हैं। आप इस पाठ का अध्ययन करना, संवेग संरक्षण के नियम को नोट करना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।